Yes, students, let's revise unit 12, that is percentage. Okay, see the question number 1, fill the boxes. A part aapko given hai bete, 89 by 100 equal to dash percent. To aapne in boxes ko fill karna hai. Yahan pe numerator kya hai? 89 aur upon mein kya hai? 100. Aur maine aapko kya bataya tha? Jab bhi upon mein 100 ho, usko jab hum percentage mein likhenge to kya hoga? परसेंटेज में लिखने के लिए 100 को रिमूव करेंगे और परसेंटेज का साइन लगाएंगे. तो जो न्यूमरेटर में नंबर होगा उसी के आगे आपने परसेंटेज का साइन लगाना है. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, तो हम इसको इजीली कर सकते हैं. 89 बाय 100 है, दैट मींस इसको हम परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं. यहां पे परसेंटेज का साइन ऑलरेडी गिवन है, तो यहां बॉक्स में क्या आएगा बेटे? न्यूमरेटर आएगा. तो न्यूमरेटर क्या है यहां पे? 89. तो ये तो हमें देखते ही पता चल रहा है कि यहां पे 89 आएगा. नाउ सी द बी पार्ट, डैश बाय 100 इक्वल टू 73%. अभी-अभी मैंने आपको क्या बताया था कि परसेंटेज का जहां पर भी साइन हो उसके साथ जो भी नंबर है वो न्यूमरेटर में आता है ना. तो यहां पे आपको न्यूमरेटर मिसिंग है, डिनोमिनेटर आपको गिवन है 100. तो यहां क्या आएगा? जो आपको परसेंटेज में नंबर शो हो रहा है, दैट इज 73. तो ये तो हमें देखते ही पता चल रहा है कि यहां पे 73 आएगा. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट इनटू लोवेस्ट टर्म. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लोवेस्ट टर्म? बेटे लोवेस्ट टर्म मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम इसको सॉल्व करेंगे यानी परसेंटेज का साइन रिमूव करके इसके नीचे डिनोमिनेटर में 100 लगाएंगे और उसको एक ही टेबल पे कैंसिल करेंगे, लास्ट में जो भी नंबर आएगा वो आपकी लोवेस्ट टर्म होगी. यानी कि आपने उसको तब तक डिवाइड करना है जब तक कि वो एक टेबल पे कैंसिल होना फिनिश ना हो जाए. ठीक है, जैसे ही वो एक टेबल पे कैंसिल हो रहा है तो आप उसको कैंसिल करते जाइए. एक स्टेज ऐसी आएगी वो किसी भी मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किसी एक टेबल पे कैंसिल नहीं होगा. ठीक है, तो वो आपकी लोएस्ट टर्म होगी. तो उसको बेटर समझने के लिए देखिए, 85 अपॉन में 100, हम परसेंटेज का साइन रिमूव कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में 100 लगा रहे हैं, यानी कि परसेंटेज को मैंने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया. तभी तो मैं इसकी लोवेस्ट टर्म में जाऊंगी ना. जब तक मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज नहीं करूंगी तो मैं लोवेस्ट टर्म में कैसे चेंज कर सकती हूं? ठीक है, तो फर्स्ट आपका जो वर्क होगा वो यही होगा कि परसेंटेज को आपने फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करना है. ओके, नाउ अब इसको हम ऊपर नीचे कैंसिल करेंगे और एक ही टेबल पे कैंसिल होना चाहिए. अगर मैं इसको 2 के टेबल पे कैंसिल करूं, 2 के टेबल पे 100 तो जा सकता है, 50 पे चला जाएगा, लेकिन यहां पे क्या है? 5 लास्ट में, 85, तो ये 2 के टेबल पे नहीं जाता. 3 के टेबल पे भी दोनों कैंसिल नहीं होंगे, 4 के टेबल पे भी नहीं होंगे, लेकिन 5 के टेबल पे बहुत इजीली कैंसिल होंगे क्योंकि इसका जो वंस प्लेस है उसमें 0 है और यहां पे 5 है, तो ये दोनों 5 के टेबल पे कैंसिल होगा. यहां पे आएगा 5 2 जा 10 और 0 एज इट इज लग जाएगी. और यहां पे अगर हम इसको देखें, 5 1 जा 5, 8 में से 5 गए, रिमाइंडर क्या बचा? 3. तो 3 किसके साथ लगेगा? 5 के साथ. क्या बना? 35. अब 35 5 के टेबल पे 7 पे जाता है. ठीक है, तो हमारे पास जो लोवेस्ट टर्म है वो 17 बाय 20 है. 17 बाय 20 ये किसी एक टेबल पे कैंसिल नहीं होंगे. 17 के टेबल पे 20 नहीं जाएगा, 20 के टेबल पे 17 नहीं जाएगा. तो ये आपकी लोवेस्ट टर्म है. नाउ सी द बी पार्ट, 9.5%. तो इसको हमने किस में चेंज करना है? फ्रैक्शन की फॉर्म में. तो 9.5 अपॉन में 100. बेटे यहां से पॉइंट हमें रिमूव करना है क्योंकि हम इसको लोवेस्ट टर्म में चेंज कर रहे हैं. तो जब हम पॉइंट को रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 10 आएगा. तो दैट मींस हमें यहां पे क्या लिखना है? 10 लिखना है, लेकिन ऑलरेडी यहां पे डिनोमिनेटर 100 है तो उसको हम सेपरेटली नीचे इस तरह से लिख देंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा के उसको अलग से लिख देंगे. ठीक है, नाउ इसको हम कैंसिल करेंगे 5 के टेबल पे क्योंकि इसकी वंस प्लेस क्या आ रही है? 0 और 5 आ रही है. तो 5 2 जा 10, नाउ 5 1 जा 5, तो 9 में से 5 गए, 4. 4 किसके साथ लगेगा? 5 के साथ. क्या बना? 45. 45 जो है 5 के टेबल पे 9 पे जाता है. अब 19 को बेटे ना तो हम 100 से कैंसिल कर सकते हैं और ना ही 2 से कैंसिल कर सकते हैं. दैट मींस ये आपकी लोवेस्ट टर्म में चेंज हो गया. ये आएगा 19 और 2 और 100 को आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है. ओके, इट बिकम
200. 19 by 200 is the lowest term for this percentage. Okay, now see the C part. 12, 1 by 2. तो इसको हम चेंज कर रहे हैं किसमें? इनप्रॉपर फ्रैक्शन में. ये मिक्स नंबर है. ये आएगा आपके पास 25. 2 मल्टीप्लाई बाय 12, इट बिकम 24. 24 प्लस 1, 25. बाय 2. मल्टीप्लाई बाय, ये क्या है? परसेंटेज को रिमूव कर रहे हैं, तो 1 बाय 100. क्योंकि इसे हमें डिनोमिनेटर में लगाना है. नाउ 2 जो है वो 25 के टेबल पे कैंसिल नहीं होता, तो लेकिन 25 और 100 कैंसिल होते हैं 5 के टेबल पे. तो 2 5 जा 10 और ये 0 यहां पे आ जाएगी और ये 5 पे जाएगा. 5 5 जा 25, अगेन कैंसिल हो रहा है. 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20. अब हमारे पास क्या बचा? न्यूमरेटर क्या है यहां पे बेटे? 1. और 2 into 4 क्या होते हैं? 8 होते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास 1 by 8 निकल के आई है लोवेस्ट टर्म.